गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स अ बॉय प्रीतम एंड यू वाचिंग प्रीतम्स एंड ब्लॉग्स। नाक पूरा बंद है मेरा आज। एक्चुअली सुबह से मैं ट्यूशन करा रहा था, जस्ट 5 मिनट्स पहले फ्री हुआ हूँ। मैंने सोचा था सुबह से शुरू कर दूंगा ब्लॉग को, लेकिन सुबह मेरा हालत इतना बुरा था सर्दी से कि मैं बात ही नहीं कर पा रहा था। अभी भी आपको महसूस हो रहा होगा मेरा आवाज़ सुनकर, क्योंकि मैं कल तिनसुकिया गया था। वहाँ से आने के बाद पूरा मेरा हालत खराब, डिहाइड्रेशन, ऊपर से बुखार। तो आज ये जो ब्लॉग्स होने वाला है, मेरा आज एक गैजेट भी आने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, उसका अनबॉक्सिंग अलग से दूंगा, अलग ब्लॉग में दूंगा। तो आज मैं दो इन्फॉर्मेशन शेयर करने आया हूँ आप लोगों से। पहला इन्फॉर्मेशन ये कि अपन सितंबर 2021 को आंजियो गए थे, वहाँ पे मैंने बहुत सारा ब्लॉग्स किया था, पर सिर्फ एक ही ब्लॉग्स में दे पाया था, बिकॉज बाकी सारा फाइल करप्ट हो चुका था। बहुत दुख हुआ था मुझे, पर आफ्टर 7 मंथ्स मुझे कुछ वीडियोज़ मिला जो कि काफ़ी अच्छा कंडीशन में अभी भी है, जिसको मैं एडिटिंग करके आपके सामने मैं ला सकता हूँ। और मैं उसी काम पर लगा हुआ पिछले 7 दिनों से, मैं एडिटिंग कर रहा हूँ अभी, जितना मेरा लेवल था मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा लिए कोई एडिटर है नहीं, छोटा मोटा एडिटिंग करता हूँ। तो मैं बहुत जल्दी आपके सामने पेश करूँगा आंजो का बाकी 2 ब्लॉग्स, काहो का और नामती हिल्स का, जितना भी मेरे पास टुकड़ा मुकड़ा जितना भी है उसको मिला के आपके सामने पेश करूँगा। और क्योंकि मैं जब भी नोमैडिक इंडियन को देखता हूँ बहुत दुख होता है भाई, कि उनका तो मैं बिग फैन हूँ, लेकिन मैं पहले आंजो जा चुका था और वहाँ का ब्लॉग्स को मैं आप लोगों के सामने रख नहीं पाया। तो मैं अभी कोशिश करूँगा कि सारा ब्लॉग्स जो भी बचा कुछ है मेरे पास है वो आपके सामने रखूँ, और आप आंजो का व्यूज़ को देख पाए, जो जो आंजो गया नहीं है अभी तक, नामती हिल्स साइड में अगर गया नहीं है। और थैंक्स टू माई फ्रेंड बोंदोंग जिसने मुझे ले गया था, जिसका वजह से मैं वहाँ पर शूट कर पाया। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज़ दैट अगस्त 5-6 को यहाँ पे एक बाइक फेस्टिवल होने वाला है, जिसका नाम है थ्रॉटल 3.0, जिसका अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया ऑनलाइन में। मैं सारा चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कैसे आपको पेमेंट करना होगा, क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी है। मुझे कहीं से भी अगर देख रहे हैं वो डामबुक, पासीघाट, रोइंग या अरुणाचल का बाहर से, आप सब आ सकते हो। सो जो पहले कर लेगा रजिस्ट्रेशन, आज 30 है, 30 में 7 जून तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका रहेगा, उसके बाद में हो सकता है सीट फुल हो जाए, जो कैपेसिटी फुल हो जाए, तो उन लोग 2999 में पे करके अपना रजिस्ट्रेशन बुक कर सकते हैं, जिसमें गुडीज एंड फूडीज इंक्लूड रहेगा। जो ऑन डेट आएगा 5 तारीख को, उनको 4999 पे करना होगा, जिसमें गुडीज भी नहीं होगा, फूडीज भी नहीं होगा, गुडीज भी नहीं होगा, ठीक है। तो बेटर है कि पहले आप रजिस्ट्रेशन कर ले। तो एक बहुत बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल, बाइक फेस्टिवल, जस्ट ऑल लाइक फेस्टिवल होने वाला है, म्यूजिक, एडवेंचर, सारा चीज़ें रहेगा, कैंपिंग रहेगा आपका, बोन फायर रहेगा, सारा चीज़ें रहेगा उसमें, ठीक है। तो चूंकि ये डामबुक में होने वाला, मैं खुद भी रजिस्टर कर रहा हूँ खुद को, तो डाम्बू के ब्लॉगर के नाते मैं इसे प्रमोट करूं, मुझे अच्छा लगेगा प्रमोट करके। और आप सब आएंगे तो 5-6 तारीख को सबको मिलेंगे, जो भी ब्लॉगर्स, बाइकर्स, जो भी मुझे देख रहे, जो भी आना चाहते हैं 7 में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, फटाक से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो और भाई आ जाओ डाम्बुक द वैली ऑफ ऑरेंज, ठीक है। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन मुझे देना था एक्चुअली। तो तीसरा एक बात है बताना है, बहुत लोग मुझे कल से पूछ रहे हैं भाई ब्लॉग करने के लिए इतना महंगा महंगा कैमरा, इतना चीज़ें खरीदना जरूरी है क्या? तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, नहीं, ब्लॉग करने के लिए इतना महंगा कैमरा, इतना चीज़ें जरूरी नहीं करने का, कंटेंट बहुत मैटर करता है, ठीक है। मेरा दोस्त है अजमीन ब्लॉग्स, उसका ब्लॉग सारा मोबाइल से शूट होता है, अभी का जो ब्लॉग शूट कर रहा हूँ वो मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ ना। अजमीन का इतना सारा व्यूज़ है, 68,000 का प्लस व्यूज़ है, आप उसका ब्लॉग चैनल जाके देख सकते हो, सब्सक्राइब भी कर दो जाके भाई, बहुत मेहनत करता है बंदा। तो बहुत सिंपल सिंपल है, वो एक छोटा सा मोबाइल है अपना, जैसे मोबाइल है उससे शूट करता है, एडिटिंग करता है, छोड़ देता है। अब वो गोप्रो लेने का भी प्लान कर रहा है फिलहाल। तो मैं बोलता हूँ देखो, ये जो कैमरा या गैजेट खरीदना है, ये अपना परसेप्शन से, मेरा हर साल का शौक रहता है कि हर साल मैं 2 गैजेट खरीदूंगा, और मैंने खरीदा है उसे, मैं सेविंग करता हूँ पैसा, उससे मैं गैजेट खरीदता हूँ। मैंने 2019 में DSLR खरीदा था, निकोन 5600, उसका भी ब्लॉग्स आपके पास है यहाँ पे, ठीक है, अनबॉक्सिंग वीडियो। मैंने एक लैपटॉप खरीदा था HP का पेविलियन, उसके बाद 2020 में GoPro एसेसरीज खरीदा, गिम्बल खरीदा। 2021 में मैंने ऐसा कुछ खास खरीदा नहीं। 2022 में मैं अभी इस बार एक Insta360 खरीदा, एक टैबलेट खरीदा जो आपकी आ जाने वाला है, और मेन एक खरीदने वाला ड्रोन, जो कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्योंकि अभी पैसा नहीं है मेरे पास, पैसा जमा लूँ उसके बाद खरीद लूँगा। तो वो मेरा ओन परसेप्शन है कि मैं अपना वीडियो को और अच्छा, हायर क्वालिटी लेने के लिए और थोड़ा बेटरमेंट करने के लिए मैं अपना पैसा को सेव करके मैं ये चीज़ कर देता हूँ। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, जो इनिशियल ब्लॉगर है, हम लोग भी इनिशियली है, कोई बड़ा चैनल तो नहीं है हमारा, तो जरूरी नहीं है, आप मोबाइल से काम चला सकते हो। लोग 100K सब्सक्राइबर्स तक भी मोबाइल से ही करते हैं बहुत लोग, ठीक है। वो मेरा खुद का परसेप्शन है, मुझे खरीदना है कुछ गैजेट से प्यार है बहुत मुझे, छोटा से गैजेट्स और बाइक मेरा लव है मतलब, तो मैं इसलिए अपना पैसा जमा करके उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। तो
नए नए ब्लॉगर्स लोग या नए नए जो यूट्यूब चैनल खोले उनको बता देना चाहता हूँ कि इतना कोई मैंडेटरी नहीं है। आजकल कैमरा इतना खतरनाक आने वाला, मतलब मोबाइल इतना खतरनाक आ रहा है आजकल कि आपको DSLR लोगों का जरूरी भी नहीं है। तो आप इतना अच्छा अच्छा मोबाइल ले लो और काम शुरू करो अपना, ठीक है? तो चलता हूँ फिर रोइंग, मुझे मेरा टैबलेट लेने जाना है आज। तो मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें भी इस वैलेंटाइन लड़की चाहिए तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर जितनी हवस निकालनी है उतनी हवस निकालो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं यार, कुछ उखाड़ लें यार जिंदगी में, कुछ कर ले हैं। बाय।